भागलपुर के नाथनगर में पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बीच सड़क पर एक पत्नी अपने पति की जमकर धुनाई करते हुए नजर आई। सूचना पाते ही पुलिस की टीम पहुंची और दोनों को नाथनगर थाने ले गई। पत्नी ने बताया कि 2018 में उसने प्रेम विवाह कुणाल पासवान के साथ किया था, लेकिन उसका पति हमेशा उसके साथ विवाद करता रहता है, जिससे वो तंग आ चुकी है। उसने बताया कि वो अपने सहेली के साथ मंदिर पूजा करने गई थी, वहां भी आकर पति ने झगड़ा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद उसने अपनी पति की जमकर धुनाई कर दी। घटना के बाद नाथनगर थाना पुलिस ने बॉन्ड भरवा कर पति को छोड़ दिया है। भागलपुर के सजावट थाना क्षेत्र अंतर्गत दरियापुर गांव में पेड़ में एक युवक का शव मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान दरियापुर गांव निवासी तेतर यादव के 23 वर्षीय पुत्र आशीष के रूप में हुई है। घटना की सूचना पर पहुंची सजौर थाना पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो कर बुरा हाल है। मृतक के पिता ने मुन्नी यादव के ऊपर हत्या का आरोप लगाया है। बता दें कि मृतक की शादी 2 वर्ष पूर्व असरगंज के रनगांव में हुई थी। मृतक की एक 11 वर्षीय पुत्री है। पूर्व में ही मुन्नी यादव से किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। उन्होंने आशंका जताई है कि मुन्नी यादव के द्वारा इस घटना को अंजाम गया है। मैं चले थे पर खाना कहते के लिए खाना दे ले कल के चला घर के लिए ये के लिए चला घर चल कल के चला हम जाए छी दे दे हम खाए लेबे तब जेबे इतने टा बात करी के बस हम चले लिए घर आपस हो गेलिए। मरला से हमरा रस्सी छे टुनी जात मुन्नी जात बखन टुनी जात बख रस्सी देले छी जी आरो रस्सी ओकरे घर हमरा रस्सी ओकरे कन छली और रस्सी पर प्रगट होले वही रस्सी से फंसी लग रहा है। हमारा शक छे ओकरे घर से मारा पड़ रहा है मुन्नी यादव पहला होता है खेत में था 9 बजे तक। 9 बजे के बाद पापा भी साथ में था, पापा घर चलाया। उसके बाद पापा खाना उना खा के सो गया। खाना उसका ले गया था तो बोला चलो हम खाना खाएगा घर है वो। उसके बाद मोटा मोटी 11:30 बज गया रात। 11:30 बजे रात में फिर चचा गया हमारे पास लेकिन घर नहीं लो। फिर हम लोग गए खोजने के लिए तो जहाँ भी बॉडी मिला हमको उस जगह सगर खोजे हैं, कहीं कुछ नहीं था। कितने बजे बॉडी मिला? सुबह बॉडी सुबह मिला। आप घर से निकला कितने बजे? हम घर से निकले 11:30 बजे। कितने बजे? ये निकला था 8 बजे। क्या लगता है कैसे हुआ? इसको मारा गया है सर। किसने मारा? किसी को कोई यार हो? हाँ FIR है, अभी पता लगा रहे हैं। ठीक है सर को मोबाइल दिए, लोकेशन भी निकल रहा है। ठीक है पहले कोई विवाद था? हाँ विवाद है, घरेलू सभी से दुश्मनी है, गोतिये से है। किस चीज को लेकर है? है जगह जमीन है, बहुत चीज के लिए है, रास्ता रोड सबके लिए दुश्मनी है। हम ही दोनों पे फोकस है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। भारत सरकार और राज्य सरकार किसानों की आय दुगनी करने के प्रयासरत हैं, जिसके लिए सरकार तरह तरह की योजनाएं चला के किसानों को लाभ देना चाह रही है। लेकिन सरकार के अधिकारी और डीलर के द्वारा किसान की आय बढ़ाने के बजाय घटाने में लगी हुई है। भागलपुर जिला के नौगछिया थाना क्षेत्र के गोपालपुर प्रखंड में सरकार के द्वारा किसान के लिए अनुदानित बीज वितरण करने का आदेश आया है, जो गोपालपुर प्रखंड कृषि कार्यालय में वितरण होना है, जहाँ किसान आकर अपना रजिस्ट्रेशन कराकर घंटों OTP के लिए इंतजार करना पड़ता है।
है। यहाँ तक कि ओटीपी आती भी नहीं है, जिससे किसान निराश होकर अपने घर लौट जाते हैं। और ओटीपी आने का इंतजार जब खत्म होता है तो किसान के व्हाट्सएप ग्रुप में किसानों को दूसरे दिन बीज वितरण करने का आश्वासन मिलता है। किसान जब दूसरे दिन 15 किलोमीटर दूर से अपना 200 रुपये आने जाने का भाड़ा लगाकर लगभग 500 रुपये खर्च करके बीज लेने को कार्यालय आते हैं, लेकिन कार्यालय के बंद रहने के कारण लोग परेशान दिखते हैं और सरकार को कोसते हुए कहने लगते हैं कि किसान की आय दुगना क्या होगा, लाभ से तो ज्यादा हानि ही नजर आ रहा है, आने जाने में ही खर्च हो जाता है, इससे तो बढ़िया दुकान से ही बीज खरीद लेंगे। सरकारी में तो जबरदस्ती बीज के साथ उर्वरक भी दे दिया जाता है जो किसान लेना नहीं चाहते। रविवार को बीज वितरण की जानकारी किसान सलाहकार व्हाट्सएप ग्रुप में 12 बजे से वितरण का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन जब इसके विषय में जानकारी लेने के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी को लगाया गया तो उनके द्वारा फोन नहीं उठाया गया। जब कृषि कोऑर्डिनेटर सुबोध कुमार को लगाया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि डीलर भागलपुर अपने कार्य से चला गया है, आज बीज वितरण नहीं किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या किसान को इसी तरह से आय दुगना होगा जब किसान बार बार प्रखंड कार्यालय के चक्कर लगाएंगे। आज कल बोला कि कल 12 बजे आइए, आज रविवार है, आज का नाम बोला 12 बजे आइए, हम पूछबो किए, आज संडे है, मतलब संडे को आप बांटिएगा, बोला कि हाँ 12 बजे आइए, 12 बजे से बांटना चालू करेंगे। तो हम आए आज लगभग 12:30 हो रहा है, लेकिन अभी तक देखते हैं ताला बंद है। डेली डेली मकनपुर से आना जाना, ये भाड़ा मतलब इतना में तब क्या, उसे अच्छा तो दुकान में ले ले, तब क्या जरूरी है सरकार से अनुदान लेने का। फायदा बुझा रहा है आपको? फायदा क्या, मतलब डेली डेली आएंगे जाएंगे तो उसमें क्या फायदा मिलेगा, तब इससे अच्छा तो दुकान से ले लेंगे। जब सरकार से हम क्या तब करेंगे, तब कितना खर्च आप लोग को लगता होगा आने जाने में, कितना किलोमीटर है यहाँ से? लगभग 14-15 किलोमीटर है। कितने दिन से आ रहे हैं? आज तीसरा दिन है। तो कितना खर्चा लगता है पर डे? लगभग पर डे 100 रुपया का पर डे हो गया, समझ लीजिए। तो बीज क्या मिला आज? नहीं मिलेगा, मिला ही नहीं है, ताला बंद है तो कौन देगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयराम कुमार है। कौन से पंचायत के हैं? हम मकनपुर पंचायत से। और कौन आपको बताया था कि आपको मिलेगा बीज? मेरे गांव का ही एक आदमी था, वो लेके गया, वो बोला कि जाओ वहाँ मिल रहा है, मतलब संडे को मिलेगा। ऑफिशियल आप ऑफिस में? यहाँ ऑफिशियल के लिए तो वो जो डीलर बांटता है ना, वो क्या नाम है उसका, पांडे जी, वो बोला कि कल रविवार को भी आइए, 12 बजे से बांटेंगे। भला हो रहा है किसान का? भला कहाँ हो रहा है, यहाँ तो बुरा ही हो रहा है। कहाँ से लो जो? मकनपुर। कथी ले, कहाँ लो जो? आज इतवार छे, बीज ले ले। कहाँ मतलब कही, कितना दिन आए थे, क्या बुलाया था? डीलर। डीलर तो क्या डीलर है यहाँ पे? कल बोले कहे थे। आज है, आपको बुलाया था तो है। नहीं तो आप कहाँ फिर जाइएगा? कितना दिन से आ रहे हैं? दो दिन तीन दिन आए। कितना खर्चा आप लोग को लगता है आने जाने में? 40 टका। 120-200 रुपया लगभग खर्चा कर चुके हैं। बीज मिला आपको? नहीं। क्या देख रहे हैं अभी कार्यालय? ताला बंद है। भागलपुर के TNB लॉ कॉलेज में कैरियर गाइडेंस के बैनर तले एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मुख्य अतिथि के रूप में जिला जज सुदेश कुमार श्रीवास्तव ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। वहीं एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज को दर्जनों छात्र छात्राओं ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। लॉ के छात्र सौरभ कुमार ने बताया कि कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम के तहत आज कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है हम लोगों को लॉ के बाद क्या क्या करना चाहिए, लॉ के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे संबंधित चीजों को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कॉलेज के प्राचार्य ने हम लोगों को बताया। हम लोगों ने जाना कि लॉ करने के बाद आगे हम लोगों के पास बहुत विकल्प हैं, किस फील्ड में हम अच्छा कर सकते हैं, उस पर हम लोगों को फोकस करने की आवश्यकता है। इस दौरान TNB लॉ कॉलेज के प्राचार्य, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, छात्र रवि रंजन, छात्र कोमल श्रेया एवं दर्जनों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। 29 अक्टूबर 2023 को TNB लॉ कॉलेज के प्रांगण में करियर गाइडेंस प्रोग्राम कम एलुमनाई मीट का आयोजन किया गया है। ये प्रोग्राम हम लोग सभी अंतिम वर्ष के छात्र आयोजित करवा रहे हैं। इसमें हमारे जिला जज में अपर जिला जज 5 श्री सुदेश कुमार श्रीवास्तव सर और CGM साहब मोहम्मद फिरोज अकरम सर उपस्थित हैं और कॉलेज से जो भी एलुमनाई यहां से सक्सेसफुली जज मजिस्ट्रेट बने हैं वो सभी उपस्थित हुए हैं। मुख्य उद्देश्य है हम अंतिम वर्ष के छात्र और जो अभी इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनके लिए
दिशा निर्देश, अपने करियर के रिगार्डिंग दिशा निर्देश देने के लिए का उद्देश्य हम लोग का है। आज प्रोग्राम का नाम है करियर गाइडेंस प्रोग्राम अलुमनाई मीट है। इस प्रोग्राम में जितने हम लोग के आपराधिक लॉ ग्रेजुएट करने के बाद हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हम लोग को बेसिकली पता रहता है जुडिशियरी APO, इससे ज़्यादा सभी लोगों को नहीं पता होता है। हम लोग उसके बारे में पता करना चाह रहे हैं कि और क्या क्या स्कोप हैं आफ्टर दिला। और बहुत सारे यहाँ पे जो गेस्ट आए हुए हैं, अभी यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जज जो अभी उनको प्रमाण मिला हुआ है वो आए हैं, और यहाँ प्रिंसिपल हैं, और जो बहुत सारे यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं जो बार काउंसिल के हैं। और उद्देश्य सर यहाँ पे जो आफ्टर दी लॉ हम लोग जो क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या हम लोग पास स्कोप है, उसके बारे में बताने के लिए बेसिकली यही सब आए हुए। और कॉलेज का एक छोटा सा अलुमनाई मीट भी है जो सक्सेसफुल अलुमनाई है। भागलपुर के मोहद्दी नगर के सकरुल्ला चक काली पूजा समिति के द्वारा आगामी काली पूजा को व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने हेतु एक बैठक रखी गई। काली पूजा समिति के कार्यकर्ताओं द्वारा कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। विधि विधान से पूजा को लेकर लाइट बत्ती तोरण द्वार एवं विसर्जन किस तरह सुगमता पूर्वक कराई जाए, इस पर वार्ता हुई। इस बैठक के दौरान काली पूजा समिति के अध्यक्ष भूषण चौधरी, विद्यानंद झा, सत्यनारायण मंडल, बालेश्वर शाह, वरुण यादव के अलावे दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद थे। मेदांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के द्वारा बरारी पंचायत में निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया गया। साथ ही मेदांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के द्वारा इस निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में लोगों के डायबिटीज, BP, पल्स आदि की भी जांच की गई। साथ ही मेदांता के डॉक्टरों द्वारा लोगों से कहा गया जिस परिवार की आय 2.5 लाख से नीचे है, उसका कैंसर, ब्रेन का रोग, पेट में किसी तरह की समस्या जैसी बीमारी का इलाज सरकार के द्वारा निःशुल्क किया जा रहा है। इस निःशुल्क जाँच शिविर में बरारी पंचायत के मुखिया समेत कई गाँव के विशिष्ट लोग और मेदांता सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कई डॉक्टर व नर्स मौजूद थे। 2-3-4-5 तरह का जांच होता है और रेस्पिरेशन ये सब का जांच होता है। जांच के बाद परामर्श दिया जाता है, क्या क्या होता है आगे? परामर्श देने के लिए डॉक्टर, हम डॉक्टर SS पांडे बैठे हुए हैं जो हम उनको रिपोर्ट पर देखते हैं। उसके बाद जो यहाँ नहीं हो पाएगा उसके लिए हम रेफर पटना अपने हॉस्पिटल में। कुछ प्रोसेस है क्या है? नहीं, कोई प्रोसेस नहीं। यहाँ से, यहाँ पर टोल फ्री नंबर है, इसी से हम लोग रेफर यहीं से नंबर लगा के कर देते हैं। मैं डॉक्टर SS पांडे। हम लोग पंचायत में सबौर प्रखंड में ऐसा कैंप मेडिकल शिविर लगाए हैं जो स्वयं प्रभा मेदांता हॉस्पिटल के बरिये डॉक्टर साहब सब पूरा टीम लेकर कैंप करने हम लोग के क्षेत्र में आए हैं, जिनको बड़े बड़े बीमारी सबका इलाज कराने के लिए पटना या बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं जा सकते हैं। हम लोगों ने प्रतिनिधि, हमारे मुखिया जी जयकरण पासवान और हम लोगों ने दोनों विचार किए कि यहाँ हमारे क्षेत्र में पिछड़ों की बहुत आबादी है और वे जानकार भी नहीं होते हैं कि हमको कौन बीमारी है, कहाँ इलाज करावे हैं। इसलिए हम लोग फ्री कैंप स्वयं प्रभा मेदांता के पदाधिकारी डॉक्टर से संपर्क किए, उनके द्वारा हम लोग को आज का टाइम दिया गया जो बरारी पंचायत भवन में शिविर का आयोजन किए। और ये जनता को ये भी जानकारी हम लोगों, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देना चाहते हैं कि जिनका राशन कार्ड में नाम है और 2.5 लाख रुपया से वार्षिक आय का 2.5 लाख से कम है, उनको जितना भी जैसे मस्तिष्क रोग हो, हार्ट की बीमारी हो, ऑपरेशन की ज़रूरत हो, लीवर हो, कैंसर हो, ये सब जो बड़े बड़े बीमारी हैं वो आय प्रमाण पत्र के द्वारा फ्री इलाज किया जाएगा। मैं सबौर प्रखंड बरारी पंचायत का जितना भी जनता है और ये मेदांता हॉस्पिटल के तरफ से जो आज शिविर लगा है, निःशुल्क शिविर, जिसमें से गरीब मेरे पंचायत में जितने भी लोग गरीब हैं और भी निम्न वर्ग के लोग हैं जो कि बहुत बड़े सब बीमारी है और भी कुछ तरह का बीमारी जो होता है, जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे इलाज के लिए सही जगह पे वो नहीं जा पाते हैं, तो पटना जय प्रभा मेदांता हॉस्पिटल के तरफ से ये शिविर लगाया गया मेरे पंचायत भवन बहादुरपुर में, जो कि गरीब गुरबा को किसी तरह का भी जो भी समस्या है बीमारी से,
उसको सही इलाज मिल पाए सही समय पे। और ये मैदानता हॉस्पिटल का सभी टीम जो आए हुए हैं, अभी आज 5 डॉक्टर आए हुए हैं, और उसमें से जो भी तरह का बीमारी है वो फ्री में यहाँ पे अभी आज का जो शिविर है जांच किया जाएगा, उसके आधार पे डॉक्टर का परामर्श लेके दवाई का मेडिसिन का वो दिखाया भी जाएगा। और नेक्स्ट टर्म में हम लोग का भी और जिला माननीय जिला परिषद का भी ये सहयोग से हम चाहते हैं कि जो भी फ्री में मेडिसिन का भी व्यवस्था का भी हम लोग करेंगे, जो कि सही उपचार हो सके। और सही उपचार का मेरा मकसद है, अगर स्वस्थ पंचायत रहेगा तो मेरा समृद्ध पंचायत भी बनेगा, जो कि विकास के मार्ग पर रहेगा। क्योंकि 40-60% पंचायत का जो भी राशि है वो सिर्फ स्वास्थ्य पे खर्च होता है। तो हम लोग ये शिविर लगा के मेरा यही उद्देश्य है, अगर पंचायत स्वस्थ रहेगा तो मेरा राज्य भी स्वस्थ रहेगा, परिवार भी स्वस्थ रहेगा। इसीलिए मेरा ये उद्देश्य था कि हम शिविर के माध्यम से अपने गरीब जनता को कुछ मदद पहुंचा सके।